एक्सक्यूज मी, व्लॉग बन रहा है अब, मुझे पहले चावल देने हैं आपने। हाँ, और एक्स्ट्रा बोटी मिलनी चाहिए, व्लॉग बन रहा है आपको, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं गाइस, अभी इंसाफ होगा, बोटी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आप चेक करें। 3 बोटी, चलो जी, आज पहली बार व्लॉग का फायदा होगा। बेसिकली सीन ये था यार कि मैं अभी चावल जैसा रिश्तेदार ही अपने, ठीक है, उनका नाम फयाज अंकल है, तो जैसे मैं गया ना, मैं चावल देते, कहते हैं मेरा क्लिप बनेगा आज, तब आपको चावल मिलेंगे। अभी ब्लॉग करने के मैंने कहा चलो भाई बना देते क्लिप, लेकिन फिर मुझे चावल की तरह मिलने चाहिए और बोटियाँ भी मिलनी चाहिए। अभी वीडियो का शौक है, फिर वीडियो के लिए कैमरा तो पड़ेगा ताकि पता लगे कि वीडियो बनी हुई आपकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सबों की खैर खैरियत से, एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। खैर आज हमारा लास्ट दिन है, क्योंकि इंशाल्लाह हम लोग आज दिन के टाइम पर सीधे होंगे और शाम या फिर रात को निकल जाएंगे लाहौर के लिए इंशाल्लाह ताला। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल कैसे मेरा मूड का इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे कल जाना था रुडन, रुडन में एक मस्जिद थी उसका व्लॉग बनाना था, उसके लिए मुझे जाना था। और मैं 1 बजे से, जैसे आप मेरे कपड़े देख रहे हैं ना, कल मैं रेडी हुआ और मैंने कल कपड़े पहने, और 1 बजे मैं ना 4 बजे दिखकर सब कोई नहीं किया भाई आ गया, मुझे गुस्सा पर गुस्सा आ गया था, फिर मेरा मूड ख़राब ही रहता है। मैं फिर बारिश होगी यहाँ पर, बारिश के तक कल बड़ी हाई वाली हो गई थी, रस्ते वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, हर जगह कीचड़ कीचड़ हो गया था, मतलब कल खास कोई रूटीन थी नहीं, कल ज़्यादा से मेरा मूड ही ख़राब हुआ था। मैं कल व्लॉग फिर मैंने किया ही नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मूड सही ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं किया। एज़ वी कैन सी, कल बारिश हुई थी और उसके असरात अभी तक आपको नज़र आ रहे हैं। कल पूरी ना गली गीली हुई थी और आगे आप लोग देख रहे हैं ना, कल नदी टाइप बनी थी, इतना पानी कल खड़ा हो गया था। ये देखो इस रास्ते में एक मिट्टी डाली हुई है और ये भी सारा गीला हो गया, और यहाँ पर आगे पानी है। यहाँ पर सारा नाश्ते का इंतजाम है, नाश्ता बन रहा है और लोग करते जा रहे हैं, पता नहीं मेरा कब बनेगा। मामा जी नाश्ता नाश्ता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ले जी हम लोगों के मज़ेदार से पराठे, अंडे प्याज का जो भी फ्रेश फ्रेश सालन तैयार हुए हैं, तो हम लोग आज नाश्ते में खाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, तो ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हुए हैं। बेहतरीन, पंखा चल रहा है जी, हम लोग कमरे में बैठे हुए, गर्मी पड़ी है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे इम्तियाज से आ चुका, सैडली जब इनको इंट्रोड्यूस करने की बात आई तो वीडियो का साउंड खराब हो गया पंखे की वजह से, तो अब फाइनली आ चुके हैं। एज यू ऑल नो, आज हम लोगों को गांव में लास्ट दिन है, तो सिर्फ आज का सारा दिन ना वो बिजी रहेगा सब कुछ पैकअप करने में, क्योंकि और ये है जी कूलर, इसको रख के आना है अदरीस ने, मुझसे जा चुके घर, अदरीस कह था कि डॉन है तो अदरीस के लिए कर लेंगे, है ना, ऐसे ना वो हम दोनों को डांटी जा रहा है कि यार मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, 5 मिनट के लिए बाहर आप निकलते हैं तो आपको पूरा पसीना आ जाएगा। हाँ, तुम्हें पसीना आया, हमें नहीं आता है, घर में फेरे फेरते अड्डा दूरा ना ही लोग। तो खुद की औकात देख, तू अपनी गरबान में झांक के देख, मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़ोंपति इंसान हूँ। फिर वाला काम हो गया जी डन, और अब जा रहे हैं हम लोग मैच देखने के लिए खेतों वाली साइड पर। गांव में हर साल होती है एक लीग जिसका नाम है SPL, जिसके अंदर होती है 4 टीमें, और बाकी की मालूमात आपको मैं दूंगा वहां पहुंच कर के, क्या हिसाब किताब है, कौन सी टीम खेल रही है कौन सी टीम नहीं खेल रही है, ये सब वहाँ जाके पता लगेगा कौन कौन खेल रही है, सब आपको वही जाके बताऊँगा। चलो भाई, ये आगे जी खेत, उस साइड पे हो रहा है मैच, और यहाँ से हम लोगों को गुजर के जाना है उस साइड पर मैच के लिए। जैसे जैसे खेतों में दाखिल होते जा रहे हैं ना, हवस और बढ़ती जा रही है, गर्मी और बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही है, बहुत हवस है यहाँ। ये पहुँच गए जी हम लोग फील्ड पर जहाँ पर हो रहा है मैच, ये देखिए जी हम मैच के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं पिच पर, ये देखो भाई यहाँ पर खड़ा है। 5 बॉले फेंके जी, एक विकेट भी खोया, बैटिंग पैदी शहजाद चाचू, और लाइव कमेंट्री चल रही है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए मैच देख रहे हैं। अगर ये भी आ गया फील्ड में जी, वापसी शहबाज़ आज बैटिंग के।
लंदन से लोग आए हुए हैं। नईम चाचू जी अस्सलाम वालेकुम। पसीने से सबका बुरा हाल है। लंदन से लोग आए हुए मैच देखने के लिए। साइड पे खड़े हैं ये हमारे प्यारे सिंधी चाचू जो रहते तो यही हैं, लेकिन आज नज़र मुझे पहली बार आए हैं। अच्छा जी, ये ढोल बज रहे हैं, इसका रीज़न ये जब भी कोई बाउंड्री लगती है ना छक्का चौका ढोल बजता है, ये कभी आउट हो। आमिर चाचू भी आ गए हैं जी, वेलकम। कैसे हैं आप? अभी अभी आए हैं? अभी अभी आए हैं। चले जी मैच एंजॉय करें फिर। अब उसकी बात है, जो साउंड सिस्टम है ना स्पीकर और माइक वाला, ये काफ़ी हैवी लगा हुआ है यार। इतने बटन का क्या काम होता है पता इनको भी नहीं होगा, लेकिन लेके आए हैं बस। उन्होंने तारे कनेक्ट किए हुए एक स्पीकर की और एक माइक की और सब चला रहे हैं। ओके जी, मेरी होगी मैच से बस। और बेसिकली अभी जितना मैंने पूछा और जो मुझे पता लगा जी, पिछली लीग के जो मैचेस थे वो रह गए थे, ये अब वही हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा यार, पसीना बहुत आ गया, हर कोई वहाँ पसीने में खड़ा हुआ है। खैर उनको तो मैचेस का क्रेज़ है, मुझे आप लोगों को दिखाना था वो दिखा दिए जी। चलते हैं घर, कपड़े चेंज करते हैं और बस ठीक है। फाइनली जी मैंने नहा लिया, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। आज जुम्मे, आओ जुम्मे के लिए चलते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह। अभी फिलहाल ना 1:40 हो रहे हैं और यहाँ गांव में ना सिकंदराबाद में होता है पूरे 2 जुमा, 10-15 हैं और भूखी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। घर में चावल तो पड़े हुए थे लेकिन उनमें नमक काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी दुकान पर चलते हैं फिर आगे चलेंगे जुमा पढ़ने के लिए। दुकान पर मैं आ गया हूँ, फटाफट से एक समोसा लेते हैं, यहीं पर खाते हैं और फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। चलो जी। अलहमदुल्ला जुमा पढ़ लिया है मैंने यहाँ पर और बाहर आया हूँ तो देखें फुल जो है ना कल भी इसी टाइम पर काले बादल आ गए थे और बारिश शुरू हो गई थी। जुमा पढ़ के वीडियो बना रहा हूँ और ये पीछे से आवाज़ लगा बड़ा क्यूट है अली रजा। जुमा पढ़ के ना मैं आ गया था अपने प्यारे मोहसिन भाई के पास, क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ना है लुटन, इन्होंने भी लुटन जाना है, तो मैं इनके साथ जाऊँगा। अदीस को बुलाया तो है, देखते आता है कि नहीं। नाम लिया अदीस का, अदीस साहब आ गए। फाइनली जी पहुंच चुके हैं, ये रहे अपने शोहर भाई की तस्वीर, यानी इनकी दुकान के सामने खड़े हैं जब फिलहाल बंद है और अभी जा रहे हैं अंदर। रात होगी जी हैवी वाले, इस वक्त मैं निकल रहा हूँ जी उसी घर से जिस घर में हम लोग शाम के दाखिल हुए थे। सो बेसिकली फाइनली टाइम हो गया रात के 9:34 यानी 9:30 का टाइम हो गया, बाबा बाहर आ गए और अब फाइनली निकलने लगे हैं जी हम लोग लाहौर के लिए। ट्रक जी यही है जिसको अब इसी के अंदर जाना है वापस लाहौर और हमें अलविदा करने के लिए लुडन के लोग। नईम चाचू वंस अगेन, पहले सिकंदराबाद में और अब यहाँ आ गए हमें अल्लाह हाफिज़ करने के लिए। हमारे साथ जाना है? नहीं नहीं, मैंने घर वापस जाना है, आप खैर खैरियत से जाएं। यहाँ से पापा ने ये चीज़ वगैरह ले ली हम लोगों की, जो कि हम लोग रास्ते में खाते जाएंगी। भूख इतनी नहीं, खाना खाया हुआ लेकिन फिर भी को पता सफ़र लंबा है तो किसी टाइम भी भूख लग सकती है और क्या पता इन चांस उस टाइम ना कोई ब्रेक। अभी फिलहाल थोड़ा ट्रक चला ही था, दोबारा से ब्रेक होगी, अभी फिलहाल 10-15 हुए होंगे खाने की ब्रेक हुई जी, उसके बाद फिर प्रॉपर सफ़र स्टार्ट होने वाला है। प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम लोग जहाँ पर पहुँचे हैं जी, ये है एक वेलकम नाम का छोटा सा कैफे, साइड पे रोल रूम वाला एरिया जिसका नाम है जी टोटल पार्को उस्मान सांडू के नाम से। यहाँ पर जी हम लोगों ने सेकंड ब्रेक, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम वाली साइड पे और ये सामने बहुत प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है और उसके साथ ही जेंट्स के लिए बने हुए हैं जी वॉशरूम का एरिया और उस साइड पे लेडीज का। हम है जी जेंट्स, हम जेंट्स वाली साइड पे जाएंगे। ओके जी, मुँह हाथ छुआ धो लिया मैंने, अब हो गया मैं रश। ये खड़ा जी ट्रक और सब लोग यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर रहे हैं।
यार भी मैं ना इस कैफे में आया था, बोतल लिए यहाँ से पानी वाली, और एक केक देखने को लग रहा है, ये ले लेते हैं। कितने? 140। ये लो यार, ये आगे हम लोगों की पानी की बोतल, और एक ये कोई केक है यार। लो भाई सारे बैठने भी लगे हैं, तो फटाफट से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके इसको खाऊंगा मैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इस फ्रूट केक से, इसको जरा ट्राई करके देखता हूँ कैसे आ रही है। इस केक की सिर्फ स्मेल ही अच्छी थी, वरना जो इसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वैसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ फीका। साढ़े चार बजे जी फाइनली अपने प्यारे से घर में आ गए हैं यार, और वंस अगेन वही ट्रक है जिसमें हम लोग पहले आए थे जी। और वकास भाई पर नहीं है हमारे साथ, इस बार हमारे साथ आए जी इमरान बच्चों। अल्लाह ट्रक की वीडियो बन गई, इंशाल्लाह पहला ब्लॉग आ जाएगा, आपको पहले ही सेंड कर दूंगा। ये सामान उठाकर जाना जी घर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? हम आगे जी परेशान कर रहे हैं, आवाज़ तो आपने सुननी होगी, शोर ही माशा इतने डालते हैं। फाइनली जी घर आ गए, यहाँ पर करते हैं अपने ब्लॉग और सीरीज का एंड। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सबसे मुश्किल सीरीज रही है मेरी ये पूरी यूट्यूब जर्नी की। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत थक गया हूँ, अब सोऊंगा मैं, और अल्लाह हाफिज़।